चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मोदी की ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं और तानाशाह चुनाव में अपनी हार के डर से घबरा गया है, इसलिए विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार करवा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं और उन्हें चुनावी फायदे के लिए फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक पूरे 9 समन भेजे गए थे, लेकिन वो ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते रहे, लेकिन 10वीं समन में ईडी ने अपनी शक्ति दिखाई और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है और विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बल्कि कोर्ट ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई और फिर क्या था, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई और ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल अब ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल किसी जमाने में नेताओं पर सिर्फ आरोप लग जाने पर उनका इस्तीफा मांग लिया करते थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अनशन पर बैठ जाते थे, नेताओं की सांसदी रद्द करने की मांग करते थे, जन लोकपाल को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की मांग करते थे, वही केजरीवाल अब कह रहे हैं कि देश की जांच एजेंसियां भ्रष्ट हैं और मोदी के इशारे पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर सच में अरविंद केजरीवाल सरकार में शराब घोटाला हुआ है? आइए जानते हैं कि दिल्ली का शराब घोटाला आखिर है क्या। दरअसल दिल्ली में नई शराब नीति बनाने के मामले में ये नाम आया कि इसमें सैकड़ों करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, ये आरोप उस पर लगा। जांच एजेंसियां शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। महीनों से दोनों ये लोग जेल में थे, अब के कविता भी जेल में है और अदालत उन्हें जमानत तक नहीं दे रही। अदालत कह रही है कि मामला गंभीर है, इसका मतलब यही है कि मामला सीरियस है और आरोप भी बहुत संगीन है। अब जांच की आज अरविंद केजरीवाल तक भी जा पहुंची और वो गिरफ्तार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, यानी एक भारी भरकम राशि 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए गए, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है। आरोपी समीर महेंद्रू ने केजरीवाल से वर्चुअल मुलाकात की बात कबूली है। ये भी पता चला कि शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर ही मीटिंग हुई थी, जिसमें सब कुछ तय हुआ था। सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने बताया कि केजरीवाल की मंजूरी से ही मार्जिन प्रॉफिट 6% से 12% किया गया था। शराब नीति को लेकर केजरीवाल के ही कैबिनेट बुलाया करते थे और वही इस तरह के फैसले लिए जाते थे। आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक नई शराब नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य टैक्स बढ़ाने और शराब माफियाओं और नकली शराब पर अंकुश लगाना बताया गया था। लेकिन इसके तहत सरकारी ठेके बंद कर दिए गए और एससी एसटी को जो सरकारी शराबों की दुकानों में आरक्षण मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया और शराब का लाइसेंस निजी दुकानों को दे दिया गया, यानी प्राइवेटाइज कर दी गई दुकानें। इसके अलावा शराब की दुकानों को आधी रात के बाद खुलने और डिस्काउंट पर शराब बेचने की अनुमति भी दी गई। सरकार ने इससे टैक्स में 27% की वृद्धि का दावा किया था। लेकिन ये विवाद कैसे शुरू हुआ था? दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया। सवालों के घेरे में आने के बाद 31 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने इस शराब नीति को वापस ले लिया। नीति में किन अनियमितताओं का आरोप लगा है? नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिसोदिया ने कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया। सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोरोना महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप लगा था। इसके अलावा बिना अनुमति के विदेशी बियर पर 50 रुपये प्रति बॉक्स का आयात शुल्क भी हटाया गया, जिससे विदेशी बियर सस्ती हो गई और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। केजरीवाल कैसे ईडी के रडार पर आ गए?
शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर आ गए। पिछले साल फरवरी में ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महिद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसमें उन्होंने आरोपी विजय नायर को अपना बंदा बताया था और उस पर भरोसा करने को कहा था। बताया जाता है कि केजरीवाल फेसटाइम कॉल के जरिए इस पूरे मामले में बता रहे थे कि कौन क्या करेगा, क्या रेट होगा, सब कुछ ये तय किया गया था। जिस नायर को कथित तौर पर केजरीवाल अपना बंदा बताते थे, उसी नायर को पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। लेकिन यही नायर अब सरकारी गवाह बन चुका है और जांच एजेंसियां उसके बयानों के आधार पर केस की जांच कर रही है। लेकिन केजरीवाल जांच एजेंसियों से भागते रहे, लेकिन आखिरकार अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ बार बार यही सवाल उठ रहा है कि जो केजरीवाल नेता बनने से पहले तमाम उन नेताओं और अफसरों का इस्तीफा मांगते थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वो खुद अपनी बारी आने पर इतने बहाने क्यों बनाते रहे। अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराने भर से अपने सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया था क्योंकि वो दलित थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया था। और मंत्रियों से भी जो बाद में उनके जेल में गए, उनसे भी बहुत बाद में इस्तीफा लेकर उनको मंत्री बनाया। ऐसे में केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। कहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, उन पर आरोप लगा। केजरीवाल पर आरोप है कि 2010 में अन्ना आंदोलन के नाम पर मीडिया और आरएसएस की मदद से उन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में चल रही यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के नाम पर जबरदस्त माहौल बनाया था और उससे 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता हासिल करने में बहुत मदद मिली थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सब मिले हुए हैं जी और गंगाधरी शक्तिमान हैं, और कुछ लोग तो जो केजरीवाल है उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज भी कहते हैं। लेकिन केजरीवाल अब पक्के नेता बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल एक ज़माने में राजनीतिक पार्टी बनाने के भी खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी बनाई बल्कि पार्टी के तमाम पुराने लोगों को निकाल दिया और खुद पार्टी के सुप्रीम लीडर बन बैठे। और ये टोपी हम लोगों को आत्मविश्वास देती है, हमें सम्मान देती है, आम आदमी को सम्मान देती है। इन्होंने आम आदमी को भेड़ बकरी बना के छोड़ दिया था। ये टोपी हम लोगों को सम्मान देती है। तो मैं तो आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा। जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। जिन नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी कोसते नहीं थकते थे, आज उन्हीं नेताओं के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बना रहे हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, बहन कुमारी मायावती, शरद पवार और राहुल गांधी जैसे नेताओं को जी भर के गरियाते थे, लेकिन अब उन्हीं के साथ केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार बनने का सपना देख रहे हैं। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता, ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े हैं, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है, उनको ये डर लगता है कि अगर लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी ज्यादातर बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब ही है, मैंने कानून पढ़ा है, जन लोकपाल बिल हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया, संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास सबूत होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में ईडी के पास गवाह भी हैं। ऐसे में मुमकिन है कि केजरीवाल लंबे वक्त के लिए जेल में ही रहे। हाँ, उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी ज़रूर सवाल उठेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव के वक्त किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल में डाल देने का सीधा सा मतलब यही है कि उन्हें चुनाव में दमदारी से लड़ने से रोका जाना चाहिए। आप उनको रोकना चाहते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव पर भी छापे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर या जो विपक्षी नेता है उन पर भी छापेमारी या किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बात साफ है कि
मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को ठिकाने लगाना चाहती है, उनको उनकी हद में रखना चाहती है ताकि वो चुनावी फायदा ले सके। लेकिन यहाँ सवाल केजरीवाल पर भी उठेगा कि वो ईडी के नो समन मिलने के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए। वो अगर पहले पेश होकर सवालों का जवाब देते और तब उनकी गिरफ्तारी होती तो उनके पास कानूनी विकल्पों को तलाशने का भी समय रहता। लेकिन सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें दांव चलने वाले को लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन कभी कभी उसका दांव उल्टा पड़ जाता है और कोई भी शहमात कर जाता है। अब देखना होगा कि केजरीवाल आगे क्या रणनीति बनाते हैं, उनकी रणनीति क्या होगी और क्या गिरफ्तारी के बाद वो विक्टिम कार्ड पेश करके केजरीवाल वोट हासिल कर पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।